आज भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि विश्वास में लेंगे, तो काम करने से पहले ना विश्वास लिया जाता है। दूसरी बात है कि बीजेपी पार्टी की मांग है आज निषाद आरक्षण, दोनों जगह डबल, उत्तर प्रदेश बिहार दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। आप निषाद आरक्षण के नाम से कुछ नहीं कर रहे हैं, निषाद आरक्षण के नाम से इतनी दूरी क्यों? विधायक कोटे से होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर आज एनडीए ने अपने सीटों का ऐलान किया। जो सीट बंटवारा है वो कर दिया गया है और नया जो एक सीट का हिस्सा है वो राष्ट्रीय लोजपा को मिला। इसके बाद बिहार में सियासी घमासान तेज है। बात की जाए तो विकासशील इंसान पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि आगामी एमएलसी के चुनाव में 2400 सीट पर पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। इसके साथ ही आपको याद करा दें कि आज जब सीटों का ऐलान किया जा रहा था उस दौरान एनडीए के शीर्ष नेतृत्व और जो नेता हैं उनसे सवाल पूछा गया कि हम और विकासशील इंसान पार्टी की क्या भूमिका होगी। तो ऐसे में जेडीयू के वरिष्ठ नेता, विश्वास जो है, विश्वास में काम करने से पहले किसी को विश्वास में लिया जाता है कि काम करने के बाद लिया जाता है? आज भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि विश्वास में लेंगे, तो काम करने से पहले ना विश्वास लिया जाता है। दूसरी बात है कि बीजेपी पार्टी की मांग है आज निषाद आरक्षण, दोनों जगह डबल, उत्तर प्रदेश बिहार दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। आप निषाद आरक्षण के नाम से कुछ नहीं कर रहे हैं, निषाद आरक्षण के नाम से इतनी दूरी क्यों? आप कब निषाद आरक्षण को लागू कर रहे हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी भेज चुके हैं रिकमेंड करके बिहार से निषाद आरक्षण के लिए, उत्तर प्रदेश से भी गया है निषाद आरक्षण लागू करने के लिए, उन अनुशंसा किया गया है। आप कह तो दीजिए कि लोकसभा चुनाव से पहले हम निषाद आरक्षण को लागू कर देंगे उत्तर प्रदेश बिहार में, जिस तरह से दिल्ली बंगाल में मिला हुआ है। रही कि आपका 2400 सीटों की बात है, 2400 सीटों में वीआईपी पार्टी अपने दमखम से विधान परिषद की चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करेगी। विजय चौधरी ने कहा था कि हम अपने सहयोगियों को विश्वास में लेकर पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे। इसको लेकर अब विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने करारा हमला किया है। देवज्योति ने कहा है कि विश्वास में बात करने के पहले चर्चा की जाती है, तब किसी को विश्वास में लिया जाता है, न कि फैसला करने के बाद। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वीआईपी पार्टी लगातार निषाद समाज के आरक्षण के लिए लड़ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी निषाद आरक्षण को लेकर जो फाइल है वो केंद्र को भेज दी, लेकिन अब तक निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला। देवज्योति ने साफ तौर तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। पर मोदी सरकार को फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि जिस तरीके का रवैया निकाय चुनाव को में देखते हुए वीआईपी के साथ किया गया है, ऐसे में अब पार्टी 2400 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी और दमखम दिखाते हुए 2400 उम्मीदवार को जिताएगी। क्या कुछ कहा है देवज्योति ने, आप उनका पूरा बयान सुनिए। आपने सुना तो साफ तौर पर देवज्योति ने एक करारा हमला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है। देखने वाली बात होगी कि 24 सीटों पर ऐलान के बाद अब आने वाले समय में एनडीए के तमाम घटक दल किस तरीके से प्रतिक्रियाएं देते हैं। आप बने रहे पोस्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।